Hey guys, welcome to Wi-Fi City, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi City पे। So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मात्र 12-15 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि आज के करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह के 5 बज चुके हैं और आज है दोस्तों 10th of February। कई बच्चों को कल का जो है ना वो करंट अफेयर नहीं मिला, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। कल मैंने बना दिया था लेकिन एक्चुअली में वो लाइव 6:30 बजे हुआ था वैसे, ठीक है, 1-1.5 घंटा लेट हो गया था, तो उसको देख लेना, बाकी कल मैंने बना दिया था। ओके, इसके अलावा कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU 10 है जो कि यूज कर सकते हैं, UPSC, PCS, डिफेंस बैंकिंग, SSC, किसी में भी SSC में फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ पे पॉलिटी की शुरुआत होने वाली है, तो मात्र ₹500 पर मंथ में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं फ्री। टॉप 40 स्टैटिक जीके के दोस्तों क्लास आज दूसरी क्लास है, सेकेंड क्लास है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और अब रेलवे की नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि जितने भी इंडिया के टॉप टीचर हैं उन सभी की प्लस क्लासेस आपको मिलेगी पूरे साल मात्र ₹3,000 में। रेफरल कोड BHU 10 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, ठीक है गाइज। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया जा रहा है पूगा विलेज के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, ठीक है गाइस। ये इसको हॉटस्पॉट माना गया है जियो थर्मल एनर्जी का, और साइंटिस्ट के द्वारा फर्स्ट फेज में 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। लद्दाख की बात करें, दो डिस्ट्रिक्ट है, राधा कृष्ण माथुर जी अभी LG है, अभी लोसार, लद्दाख, हेमिस, सिंधु दर्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। हेमिस यहाँ पे नेशनल पार्क है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज जनित प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंध किया है? ओके, सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पे बताया गया, तो ये किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दोस्तों? ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि साइन किया गया है, BEL के द्वारा दोस्तों। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल शिप बॉन्ड सिस्टम है जो कि 1,000 करोड़ रुपए के अंदर ये लोग लेने वाले हैं, ठीक है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक का, 1954 की कंपनी है। ओके, MV गोदामा जी अभी है चेयरमैन और MD है। रडार बनाना, वेपन सिस्टम बनाना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना, ये सारे यही काम करती है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा जाकिर हुसैन साहब के बारे में गलत है? तो जाकिर हुसैन साहब के बारे में बताना है आपको, दूसरे प्रेसिडेंट थे, को फाउंडर थे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, भारत रत्न मिला इनको 1963 के अंदर, और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सोचिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे ए आपका सही आंसर है। दूसरे नहीं थे गाइज, ये थे अपने थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों अभी यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि दी है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जी को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर राष्ट्रपति भवन के अंदर। इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, थर्ड प्रेसिडेंट रहे 67 से लेकर 69 तक, जब उनकी डेथ हुई थी, और को फाउंडर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, वाइस चांसलर भी रहे, भारत रत्न मिला 1963 के अंदर, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने भारत के, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जिनके ऑफिस के अंदर मृत्यु हुई, ठीक है। ऑफिस के अंदर मृत्यु का मतलब है जब वो प्रेसिडेंट थे उस मूवमेंट पे। प्रेसिडेंट के हमारे आर्टिकल है 52 से 62, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं अपने रेजिग्नेशन VP को, और VP करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। दो टाइम प्रेसिडेंट ओके, जो बने राजेंद्र प्रसाद जी, और टू प्रेसिडेंट जिनके ऑफिस में प्रेसिडेंट रहते हुए मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे। अनअपोज नीलम संजीव रेड्डी बने, पहली वुमेन प्रतिभा पाटिल, पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड ऑफ जाकिर हुसैन, शॉर्टेस्ट सर्विंग भी जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। असम के 3 कंप्यूटर इंजीनियर ने टिकटॉक के समान एक वीडियो प्ले एप्लीकेशन साझा किया और इसे डैश नाम दिया है, तो क्या नाम दिया गया गाइस? टिकटॉक जैसी की एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है टिप टिपी, ओके, ये नाम है जो कि आसाम के 3 इंजीनियर ने इसको दिया है, और इंडिया का खुद का है दोस्तों, चाइनीज, ये इंडियन टिकटॉक आप इसको मान सकते हैं, है ना। 12 कैटेगरी के अंदर लोग अपनी वीडियोस को इसमें अपलोड कर सकते हैं, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, ये सब कर सकते हैं। काला घोड़ा महोत्सव, ये अभी एक साल पहले आपके SSC के एग्जाम में भी सवाल पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और ये कहाँ पे? मुंबई के अंदर होता है। आर्टिस्टिक लोग हैं दोस्तों जो कि काफी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आर्ट फेस्टिवल है, मतलब एग्जीबिशन लगती है, काफी जबरदस्त, ओके। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 का पहला संस्करण है जो कि जीता है? फर्स्ट
फर्स्ट एडिशन ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसको मिला है? ऋषभ पंत को दोस्तों मिला है, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस की वजह से इनको मिला है मतलब। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के अंदर शबनम इस्माइल है साउथ अफ्रीका की, इनको आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अख्तर अली का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? अख्तर अली दोस्तों टेनिस से जुड़े हुए थे, लिंडर पेस से लेकर बहुत लोगों ने सिखाया है। इनके जो बेटे हैं जिशान अली, वो भी अभी डेविस कप में भारतीय टीम के कोच है, नेशनल टीम को कोच भी किया इन्होंने 20-30 साल तक, है ना, काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि इन्होंने भारत के लिए बनाए। भारतीय मदद से सहतूत बांध का निर्माण डैश में किया जाएगा, सहतूत बांध का निर्माण कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर है दोस्तों, जो कि किया जा रहा है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, ये काबुल रिवर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, 5 बेसिन में से एक है, और इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर जो है ये अवेलेबल करवाएगा। $305 मिलियन का इसका बजट आने वाला है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमने वहां पे पार्लियामेंट भी बनाई थी, आपको याद होगा, तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये है सैतूत डैम। ठीक है, ओके, इसके अलावा काफी काम है जो कि भारत ने वहां पे ट्रांसमिशन लाइन की हो गई, सलमा डैम हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल हो गया काबुल के अंदर, सब स्टेशन बनाए गए हैं, तो बहुत जगह पे भारत ने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है। अफगानिस्तान की बात करें, कैपिटल है काबुल, अशरफ गानी प्रेसिडेंट है, अफगानी यहाँ पे करेंसी है, लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए? वैसे तो छठे इंडियन है, लेकिन अगर मैं फास्ट बॉलर की बात करूं तो आपको पता होगा कपिल देव, और दूसरे कौन? जहीर खान हमारे, ठीक है, इनके बाद में तीसरे बॉलर जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं कौन है? ईशांत शर्मा। तो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, 98th मैच में लिए, 100 टेस्ट मैच खेलना एक फास्ट बॉलर के लिए काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि काफी इंजरीज, काफी फिटनेस है जो कि आपको मेंटेन करनी पड़ती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 50वें रॉटरडैम फिल्म महोत्सव 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता है? रॉटरडैम कहां पर है? ये एक सिटी है नीदरलैंड के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? कुजंगल। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीबल्स फर्स्ट तमिल फिल्म है जो कि टाइगर अवार्ड है जो कि जीतेगी। ठीक है गाइस, ध्यान रखिए, फरवरी 2021 में भारतीय सेना ने डैश में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी। 100 फुट ऊंचे नेशनल फ्लैग की जो नींव रखी गई है वो कहां पे? गुलमर्ग के अंदर है दोस्तों, जो कि रखी है। ठीक है गाइस, आइकॉनिक नेशनल फ्लैग है वहां पे दोस्तों, ये लगाया गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर, 100 फीट ऊंचा है मतलब, हमारे वहां पे वैली के अंदर सबसे बड़ा है मतलब, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इसी तरीके से कर्नाटक के बेलगांव में भी 110 मीटर का है, मेरठ के अंदर भी दोस्तों लगा रखा है 380 फीट का। यूएनएचआरसी के साथ अपने काम को फिर से शुरू करने का फैसला अमेरिका ने ले लिया है, यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। देखो ह्यूमन राइट वाली बात हो गई या फिर रिफ्यूजी वाली हो गई, दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। ये मैंने कल परसों ही आपको स्पेशल क्लास में पूरी तरीके से पढ़ाया था और समझाया था कि किस तरीके से आप ये आंसर कर सकते हो, कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा अगर आपने परसों की स्पेशल क्लास अटेंड कर ली है तो। रोम की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है, पेरिस में आपका यूनेस्को है, जेनेवा बता ही दिया मैंने आपको आंसर। ठीक है, ये देखिए प्रेसिडेंट कौन है? नजत है प्रेसिडेंट, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ। केरल फील्ड लिमिटेड ने हाल ही में राज्य में डैश को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पाद केरल फीड्स रेगुलर लॉन्च किया है। केरल फीड्स रेगुलर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? गोट फार्मिंग। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो केरला फीड्स लिमिटेड जो है ये नया प्रेजेंस है जो कि गोट फीड मार्केट में कर रही है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है केरला फीड रेगुलर, ये बूस्ट करने को लेकर कर रहे हैं। ठीक है, केरला की बात करें तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, आरिफ मोहम्मद यहाँ पे गवर्नर है, पिनाराई विजयनन सीएम, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। ओनम, विशु, सबरीमाला, स्वाति, वेटा, नेहरू बोट ट्रॉफी, ये सारे फेमस फेस्टिवल्स हैं। अब देखते हैं दोस्तों 29 दिसंबर 2020 को अभी एनटीपीसी के अंदर कुछ सवाल पूछे गए थे उनके आंसर। एक सवाल पूछे गए जीएसटी लेकर, कौन सा टैक्स है जीएसटी? ये कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना, सभी को हटा के जीएसटी लगाया है। थीम पूछी गई अर्थ डे की, तो ये तो आता है 22 अप्रैल को, और क्या थी थीम? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन थीम थी।
करंट गवर्नर दोस्तों तेलंगाना के कौन है? यह है दोस्तों तमिलीसाई। हैदराबाद कैपिटल, 119 विधानसभा, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं। सांची स्तूपा दोस्तों कहां पर है, कौन से राज्य स्टेट में है ये, कहां पर है? ये है आपके एमपी के अंदर, ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश के अंदर। करंट चेयरपर्सन दोस्तों सेल के कौन है? देखो जब एग्जाम हुआ था ना, तब उस टाइम पे तो दोस्तों अनिल कुमार चौधरी थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में सोमा मंडल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वेब ब्राउजर और सर्वर जो है वो कम्युनिकेट करने में काम आता है। ATL की फुल फॉर्म क्या है? किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अटल थिंकरिंग लैब को ATL नाम दिया गया, उसको आपके एग्जाम में पूछा गया, स्कूल के अंदर लेबोरेटरीज लगाने को लेकर इसकी शुरुआत करी गई। INC के फाउंडर आपको सभी को मालूम है, A.O. ह्यूम है, बच्चों वाला सवाल था। हेडक्वार्टर आईसीसी का दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकता है, सॉरी वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी हो सकता है, जिसका तो है आपके हेग के अंदर, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी हो सकता है, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, ठीक है, तो दुबई आपका सही आंसर होगा। ग्रैग है जो कि चेयरपर्सन है, सीईओ अभी मनु सॉन्ग है। Which team won IPL 2020? IPL 2020 की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीत लिया था। मैक्सिमम टाइम भी इन्होंने जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर। KL राहुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए, विकेट लिए रबाडा ने। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? साथ में दोस्तों रेलवे का जो प्लस कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जहां पे मैं आपको GK करा रहा हूँ दोस्तों, पढ़ा रहा हूँ आपके ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस स्टार्ट होने हो गई है, तो आप BHU 10 लगा के रेलवे का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 6 महीने का ले लो, मात्र 2,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।